करनाल में कोरोना योद्धाओं के तौर पर जहां नर्सों की पूरे देश में तारीफ हुई, वहां करनाल से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने नर्सों पर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल करनाल के सरकारी अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर की नर्सें ड्यूटी छोड़कर फेयरवेल पार्टी में चली गई। अस्पताल में मरीज उपचार के लिए इंतजार करते रहे। को हीमोफीलिया फैक्ट्रेट की जरूरत पड़ती है, वैसे मेरे को पेन होता था तो मेरे पूरे पैर में ये सूजा हुआ है, पेन हो गया है और डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लिख के दिया मेरे को और वो इंजेक्शन लगना मेरे को हीमोफीलिया का, तो वो अभी तक नहीं लगा मेरे यहाँ पे, तो डॉक्टर साहब ने तो लिख के बना के दे दिया फाइल और वहाँ मैं नर्स वाले कमरे में तो कोई नर्स थी ही नहीं, अभी तक भी नहीं है। तो जी बच्चे को दिखाने के लिए आए थे हड्डी वाले पे, लिल्लो खेड़ी से रेफर कर दिए थे। ये हमारा सिस्टम है, मरीज भले ही उपचार के लिए इंतजार करें, उपचार ना मिलने से मर जाएं, नर्सों के लिए चाय समोसा और फेयरवेल पार्टी ज्यादा जरूरी है। हालांकि ट्रॉमा सेंटर में जिस डॉक्टर की ड्यूटी थी वो अकेला डॉक्टर था, लेकिन इतने मरीजों की देखभाल कैसे कर पाता ये भी सवाल है। जैसे ही इस बात की जानकारी स्टाफ के किसी कर्मचारी की ओर से फोन के माध्यम से नर्सों को दी गई, तब जाकर वो वापस लौटी। हर महीने नर्सों के मरीजों की देखभाल करने और उपचार करने के लिए सरकार की ओर से तनख्वाह दी जाती है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को छोड़कर पार्टी का आनंद उठाने वाली इन नर्सों पर अस्पताल प्रबंधन क्या कुछ कहता है ये भी देखना जरूरी होगा। खबरें अभी तक के लिए करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट।